क्या दादागिरी चल रही है यहाँ पे? मतलब अमीर है तो कुछ भी करोगे? तुम अमीर लोग ना होते ऐसे हो, दो पैसे क्या आ जाते, तुम लोग में इतनी अकड़ आ जाती है कि अपने अकड़ के चलते तुम किसी को भी कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा बस चले तो तुम तो जान ले लो। इश्क दे अंबरी उड़ा रिया सानू। हेलो मिस्टर, तुमसे ही बात कर रही हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। अरे लेकिन क्या लेकिन, लेकिन तुम लोगों की वजह से ही ऐसा होता है। जब तक तुम लोग अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे ना, जब तक ऐसे ही रहोगे। तो प्लीज अपने लिए बोलना सीखो, समझे? ठीक है, गुड एंड टेक केयर। भैया वो आपको इतना कुछ बोल गई, आपने सच क्यों नहीं बोला उसे? अरे कोई नहीं, टाइम आने पे सब समझा दूंगा। अच्छा तुझे काम चाहिए ना, चला मेरे साथ। देख नदीम, ये अपना ऑफिस, बाकी तेरे को मैं यहाँ का काम समझा देता हूँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल घर चल। ये भी हो गया बड़े हो। अरे कुछ नहीं यार, वो लड़की जितनी अच्छी थी ना। लेकिन क्या फायदा, वो तो आपको गलत समझ बैठी ना, उसको लग रहा था आप मेरे को मार रहे हो। पर यार बोल तो तेरे फेवर में ही दी थी ना, वरना आजकल कौन किसकी मदद करता है? वो तो बेचारी लड़की होके लड़कों की मदद करती है, जबकि आजकल लड़के लड़के की मदद नहीं करते। सोच वो कितनी अच्छी होगी। बात तो सही कहते हो। चल अगर टाइम ज़्यादा हो गया तू जाके सो जा। हाँ भाई, मैंने डॉक्यूमेंट सारे ले लिए हैं। हाँ भाई, बस मैं पहुँचते कॉल करती हूँ। ओके तुम यहाँ। अब मुझे समझ में आया कि सारा करा धरा तुम्हारा है। तुमने सोचा था दो चार गुंडे भेजू, वो मुझे क्या छेड़ेंगे और तुम मुझे बचा के हीरो बन जाओगे। तो सो सॉरी डियर, ये सब ना पुराना हो चुका है और तुम्हारी दाल ना यहाँ तो बिल्कुल भी गड़ने वाली नहीं है। तो कहीं और ट्राई करना, समझे? भैया आज भी आपने इसको कुछ नहीं बोला। अरे कोई नहीं, तू छोड़, तू चल। अरे कहाँ रह गई थी? सॉरी थोड़ा लेट हो गया। यही वाली ना फाइल? हाँ हाँ यही है। चल बहन तू वेट कर, मैं अपने बॉस को फाइल लेकर आता हूँ। ठीक है। चले बहन। ये आपको बॉस है? हाँ ये मेरे बॉस हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। नीरज भैया कहाँ रह गए यार, कितनी देर हो गई, आए क्यों नहीं, कब आएंगे? ओए तू तो वही है ना जो दिन पार्क में था और वो अमीर तेरे पे रोक जमा रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी कल तो उसी के साथ था, ऐसा क्यों? आपको गलत फहमी हुई है, वो उस दिन मेरे को मार नहीं रहे थे बल्कि मेरे को समझा रहे थे। वो उस दिन हुआ ये था, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? हाँ भैया, मेरे पास एक यही रास्ता है चैन से रहने के लिए, नहीं तो ये दुनिया ना गरीब कहते कहते ना मार देगी। अबे हुआ क्या भैया,
मैं ना काम करने के लिए शहर आया था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि दुनिया ना पहले देखती है इंसान को कि वो अमीर है या गरीब, और मेरी इतनी पढ़ाई के बावजूद भी मेरे को कोई काम नहीं दे रहा। अबे हर चीज़ का सोल्यूशन सुसाइड नहीं होता। कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा है? वो कैसे रहेंगे तेरे बिना? अगर अभी भी उनकी फिक्र नहीं है तो चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ, चल। क्या दादागिरी चल रही है? मतलब अमीर है तो कुछ भी करोगे? और ना उन्होंने तो मेरे को सही राह दिखाई थी और अपने साथ रखा। तो उस दिन तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? आपने मेरे को बताने का मौका ही नहीं दिया। खैर ले बेट, अब वो मुझे कहाँ मिलेगा? आगे वो नंबर रेंज दिया कारा जदों यट निकले तक दिया नारा तेरे टोन गेड़ा एक ही। ओ आप तो आज किस टॉपिक पे बेस्ती करनी है? मैं हमेशा बेस्टिंग मूड पे नहीं होती। इनफैक्ट मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है। आई एम सो सॉरी यार, उस दिन मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, वो भी बिना सोचे समझे। आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं यार, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, कोई किसी को भी गलत समझ ले। और रही अमीर गरीब की बात, तो यार मैंने खुद इतनी मेहनत करी है, मैंने खुद इतना बुरा टाइम देखा, मेरी किसी ने मदद नहीं की थी, पर हाँ आज मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि गरीब लोगों की मदद करूँ। और वैसे आप क्या करते हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ गरीबों के लिए। तो अपना एनजीओ दिखाओगे? नहीं गाइज, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और हाँ गाइज, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना यार, आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे अगली वीडियो के, और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय गाइज़।